हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों, आज है 27 जून। तो हम लोग यहाँ पर आज 27 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जुड़ जाइए सभी लोग। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए, हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में एक करके देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, आप सभी लोग जुड़ जाइए। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो प्रोवाइड कर दी जाती है। तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए, हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, और उससे पहले आप सबको यहाँ पर बता दूं कि हमारे यहाँ पर जैसे सीजीएल की या फिर एक्साइज की क्लासेस जो है वो चल रही हैं। और यदि आप यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, उत्पाद सिपाही की अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हो, तो सभी क्लासेस यहाँ पर हमारे ऐप में ऑनलाइन चल रही हैं। और यदि आप ऑफलाइन विजिट करना चाहते हैं क्लासेस, तो हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस जो है वो ऑफलाइन के लिए ये है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर होटल टुक टुक पैलेस, ईस्ट जेल रोड, रांची। और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए हमारा ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए, जेल लर्निंग ऐप है, इसे आप यहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और वहां पर सभी कोर्सेज वहां पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें भी आपको एनरोल होना है आप वहां पर हो सकते हैं। साथ साथ वहां पर टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज से भी आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है हाल ही में, ठीक है, हाल ही में यहाँ पर 20 जून 2023 को राज्यपाल, झारखंड की जो राज्यपाल है वर्तमान में वो कौन है, सीपी राधा कृष्णन है, उनके द्वारा एक पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। और ये पुस्तक जो है वो योग पर आधारित है, ठीक है, ये जो पुस्तक है वो योग पर आधारित है। तो ये जो पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक का जो नाम है वो यहां पर देख लीजिए, इस पुस्तक का जो नाम है वो है यहां पर जो है पारंपरिक योग, ठीक है, पारंपरिक योग इस पुस्तक का नाम है। ये जो पुस्तक लिखी गई है वो इसके लेखक या फिर लेखिका जो है वो कौन है, ठीक है। और ये जो पुस्तक विमोचन किया गया है, लॉन्च किया गया है, ये झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधा कृष्णन, उनके द्वारा ये पुस्तक लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों ही, यानी कि डॉक्टर अर्चना कुमारी हैं और दूसरी जो है वो है डॉक्टर परिणीता सिंह, ठीक है, इन दोनों के द्वारा ही ये पुस्तक लिखा गया है। पुस्तक का नाम है पारंपरिक योग, ठीक है, ठीक। और ये योग दिवस से पहले जो है वो इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है, ठीक है, एक हर वर्ष जो है वो 21 जून को, ठीक है, 21 जून को जो है वो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसी दिन जो है, इसी के एक दिन पूर्व जो है इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है यहां पर, ठीक है। चलिए, हम लोग यहां पर डिटेल्स में देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं यहां पर इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहां पर निकल कर आ रहे हैं। तो राज्यपाल है राधा सीपी राधा कृष्णन ने जो है यहां पर 20 जून 2023 को राजभवन में डॉक्टर परिणीता सिंह और डॉक्टर अर्चना कुमारी की जो लिखित पुस्तक है, योग पुस्तक, जो यहां पर योग पुस्तक पर आधारित जो है वो पारंपरिक योग का विमोचन किया गया है। डॉक्टर परिणीता की जो ये पुस्तक है, ये योग पर आधारित जो है वो तीसरी पुस्तक है इनकी। इससे पहले जो है वो उनकी दो पुस्तकें और आ चुकी हैं, ठीक है, ये उनकी तीसरी पुस्तक है। इससे पहले जो पुस्तक उनकी आई थी, एक था दृष्टि में और अभ्यासन नामक पुस्तकें थी, ठीक है। पहला जो था यहाँ पर वो था दृष्टि में और अभ्यासम नामक पुस्तक जो है उनके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। ये उनकी तीसरी पुस्तक है, जो कि नाम है यहाँ पर, पुस्तक का नाम क्या है, ये जो पुस्तक का नाम है वो है यहाँ पर पारंपरिक योग, ठीक है। डॉक्टर परिणीता ने इस पुस्तक के जरिए भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो इस पुस्तक में जो है वो डॉक्टर जो परिणीता है उनके द्वारा ये जो पुस्तक लिखा गया है, इसमें भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी जो निष्ठा है उसे प्रकट करने का यहाँ पर जो है वो प्रयास किया गया है। तो ये पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, इस पुस्तक के जो लेखिका है वो है डॉक्टर परिणीता और डॉक्टर अर्चना सिंह, ठीक है, दोनों ही यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन विजिबल है ना, ठीक है, एक मिनट मैं लोगो जो है वो आपको यहाँ पर साइड कर देता हूँ, ताकि आपको आसानी से जो है वो विजिबल हो जाएगा ये, ठीक है ना। हाँ, चलिए, अब क्लियर है आपको, पूरा क्वेश्चन जो है वो अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 20 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र यूएस के ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क भारत में संयुक्त सचिव जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं। और ये जो है वो झारखंड से पहली बार ऐसा हो रहा है
कि यहां पर इस पद पर गए हैं और झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे वो है, हाल ही में 20 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र यूएस के ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क भारत में संयुक्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। तो यानी कि जो यूएस का यहां पर संयुक्त राष्ट्र का जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क होगा भारत में, उसके संयुक्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये झारखंड से यहां पर कोई जो है यहां पर पर्सनैलिटी जो वहां पर जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कौन है? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ये है गणेश रेड्डी। कौन है? ये है गणेश रेड्डी जो कि यहां पर संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं, यहां पर संयुक्त राष्ट्र यूएस के ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क भारत में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं, ये है गणेश रेड्डी। चलिए यहां पर जो भी फैक्ट्स यहां पर निकल कर आ रहे हैं उसे हम लोग यहां पर जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। सिटीजन्स फाउंडेशन के संस्थापक हैं ये, ठीक है, एक फाउंडेशन है यहाँ पर, चैरिटी है जो कि सिटीजन्स फाउंडेशन के नाम से है, ये है गणेश रेड्डी और जिनको संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क भारत में संयुक्त सचिव चुने गए हैं। इस मंच पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले वह पहले व्यक्ति होंगे, ठीक है, इस पद पर जो है प्रतिनिधित्व करने वाले वे झारखंड के पहले व्यक्ति होंगे। सिटीजन्स फाउंडेशन के साथ अपने काम के माध्यम से उन्होंने झारखंड में स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, आजीविका पर केंद्रित विभिन्न कार्यक्रमों का उन्होंने नेतृत्व किया है। ये है यहाँ पर पिक्चर में देख लीजिए गणेश रेड्डी जो कि यहाँ पर संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है गणेश रेड्डी जिनको कि संयुक्त राष्ट्र यूएस के ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क भारत में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझ में आ गई सारी बातें? चलिए, कुछ भी डाउट तो नहीं है? अगर कुछ डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए, कुछ सजेशन भी रहता है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि अगर हम लोग यहाँ पर सेशन कर रहे हैं, हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में और चीजें अगर यहाँ पर इंप्रूवमेंट होगी हम लोग बेहतर तरीके से सीखेंगे और जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के सभी जिलों के आंकड़े के मुताबिक, और ये न्यूज पेपर के माध्यम से ही यहाँ पर ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है, ऐसा कोई विभागीय मैंने सर्च किया बहुत सारे वेबसाइटों में तो ये रिपोर्ट वैसा खास मिला नहीं, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर के माध्यम से यहाँ पर जो है वो ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसे भी देख लेते हैं। राज्य के सभी जिलों के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 वर्षों में, ठीक है, पिछले 7 वर्षों की अगर हम लोग बात करें 2016-17 से लेकर अब तक जो है वो राज्य में कुल कितने फलदार पौधे लगाए गए, यानी कि फलों वाले जो है पौधा वो कितने यहाँ पर राज्य भर में लगाए गए हैं पिछले 7 सालों की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? और ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, और ये अप्रोक्स में यहाँ पर कह सकते हैं, यानी कि अनुमानित है थोड़ा बहुत यहाँ पर कि आगे पीछे भी हो सकता है डाटा। तो ये लगभग 70 लाख यहाँ पर जो पेड़ है वो लगाए गए हैं पिछले 7 वर्षों में झारखंड राज्य में, जो कि फलदार वृक्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। फलदार वृक्षों की संख्या की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 70 लाख पेड़ जो है पिछले 7 वर्षों में लगाए गए हैं, और ये जो आंकड़ा जुटाया गया है वो सभी जिलों को कलेक्ट करके जुटाया गया है। ठीक है, चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य भर में पिछले 7 साल में 80 लाख से ज्यादा फलदार यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो लगाए गए हैं। अलग अलग जिले के आंकड़े के मुताबिक इतने फलदार पौधे जो है वो लगाए गए हैं। यह आंकड़ा जो है देख लीजिए यहाँ पर वर्ष 2016-17 से लेकर वर्ष 2022-23 तक का है, और रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जो है वो कोविड-19 के जो महामारी आई थी उस वक्त जो है वो सबसे अधिक पेड़ लगाया गया था झारखंड राज्य में। कितना लगाया गया था देख लीजिए यहाँ पर, 2020-21 में 27 लाख से अधिक पौधे जो है वो यहाँ पर लगाए गए थे, जिसमें आम और अमरूद के पौधे जो है वो शामिल हैं। ठीक है, तो अकेले एक साल में जो है 2020-21 में जब लॉकडाउन था, यहाँ पर कोरोना कोविड-19 का महामारी फैला हुआ था, उस वक्त जो है वो 27 लाख झारखंड में पेड़ जो है वो लगाए गए हैं। और वहीं वर्ष 2021-22 की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 23,12,556 पौधे लगाए गए हैं, जबकि वर्ष 2022-23 में 23,44,551 पौधे लगाए गए हैं। लाभुकों को अलग अलग किस्म के ये फलदार पौधे उपलब्ध कराए गए थे, और सारे पौधे जो है वो ग्रामीण विकास विभाग के तरफ से मनरेगा के तहत यहाँ पर योजना आई थी, और एक बागवानी वाला बिरसा जो है बिरसा के नाम से एक जो योजना लाई गई थी राज्य सरकार की ओर से कोविड के टाइम में, 3 योजनाएं लाई गई थी, उसमें से एक था जो बागवानी वाला यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, वो भी यहाँ पर इसमें शामिल है। और ये जो कार्य किया जा रहा था वो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 80 लाख से ज्यादा जो है पिछले 7 वर्षों में यहाँ पर फलदार वृक्ष राज्य भर में लगाए गए हैं। ठीक है,
ये आंकड़ा जो निकल कर आ रहा है वो एक कहिए कि जिलों को, यहाँ पर सभी जिलों को से आंकड़ा निकल कर जोड़ करके यहाँ पर देखा गया तो लगभग इतने पेड़ पौधे जो है वो फलदार वाले लगाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड से किसने 30 सेकेंड में 52 पुशअप्स, पुशअप्स करते हैं जितने सारे लोग जो है वो जिम जाते होंगे, है ना, आप सब जिम जाते होंगे, बॉडी शॉडी बनाते होंगे, है ना, तो जिम जाते हैं उनको पता है पुशअप्स क्या होता है, ठीक है ना। तो पुशअप्स जो है वो यहाँ पर 30 सेकेंड में यहाँ पर 52 पुशअप कर इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किन्होंने कराया है, और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पुशअप समझ रहे हैं ना, पुशअप जो है इस तरह से करके और जो है और पुशअप करते हैं, तो उसी को पुशअप कहते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो। ठीक है, किसी से पूछ लीजिएगा अगर नहीं समझ पाते हैं पुशअप्स क्या होता है। तो यहाँ पर पुशअप्स में जो है वो 52 पुशअप्स किया गया है, और ये कितना समय में किया गया है, 30 सेकेंड में किया गया है, और ये किनके द्वारा यहाँ पर ये रिकॉर्ड कायम किया गया है, इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ये है अमित सिंह। ठीक है, अमित सिंह है जिनके द्वारा ये रिकॉर्ड जो है वो कायम किया गया है 30 सेकेंड में 52 पुशअप करके। ठीक है, 52 पुशअप किया है इन्होंने मात्र 30 सेकेंड में, और ये जो इनका रिकॉर्ड है वो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है, चलिए इनके नाम अन्य बहुत सारे रिकॉर्ड है हमने यहाँ पर देखा, जब इसे मैं कंटेंट रेडी कर रहा था तो यहाँ पर जो है वो इनके जो नाम में और भी कई रिकॉर्ड यहाँ पर कायम है, तो देख लीजिए एक एक करके यहाँ पर डिटेल्स में। अमित सिंह इंटरनेशनल जो है यहाँ पर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, और ये जो है वो यहाँ पर देख लीजिए 30 सेकेंड में 52 पुशअप मारकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है पिछले साल। ठीक है, पिछले साल इन्होंने 30 सेकेंड में 46 पुशअप्स लगाकर रिकॉर्ड बनाया था, पिछले बार भी इनका ही नाम था। ठीक है, 30 सेकेंड में 46 पुशअप जो है वो इन्होंने किया था, इस बार अधिक किया है, 52 किया है यहाँ पर इस बार उन्होंने 30 सेकेंड में। ठीक है, और इनके नाम और भी कई रिकॉर्ड नाम दर्ज यहाँ पर हैं। इससे पहले अमित सिंह ने 1 मिनट में सबसे अधिक 84 पुशअप्स लगाकर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। तो ये भाई साहब जो है ये पुशअप्स करने में माहिर है, यानी कि 30 सेकंड में 52 पुशअप्स कर लेते हैं, और अगर 1 मिनट की बात करें तो, और रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है। ठीक है, रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है, 1 मिनट में 84 पुशअप्स इन्होंने किया है, और ये जो है यहाँ पर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है। अमित जो है वो आर्म रेसलिंग में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। ठीक है, आर्म रेसलिंग में ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। ये पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं, ये अमित सिंह हैं जिनके द्वारा यहाँ पर ये रिकॉर्ड कायम किया गया है। वह ग्वालियर में हर साल आयोजित होने वाले मोस्ट पुशअप्स इन वन टाइम 183 पुशअप्स मारने की उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, यानी कि एक बार में कितना सबसे ज्यादा अधिक यहाँ पर मार सकते हैं, एक बार में कितना पुशअप्स कर सकते हैं आप, समय कुछ भी लगे लेकिन कितना पुशअप्स कर सकते हैं, तो इन्होंने 183 टाइम्स जो है वो पुशअप्स यहाँ पर किया था, और ये भी जो है वो इनके नाम रिकॉर्ड में दर्ज है ये नाम। ठीक है, तो ये अमित सिंह है, यहाँ पर देख लीजिए पिक्चर में इनको मेडल यहाँ पर जो है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है वो नेपाल में, ठीक है, हाल ही में जो है वो नेपाल में यहाँ पर जो है, हाल ही में नेपाल में आयोजित 7वें एशियन गोजरियू, ठीक है, गोजरियू कराटे चैंपियनशिप में भारतीय टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ी शामिल थे जिन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है, रजत पदक भी जीता है और कांस्य पदक भी जीता है, यानी कि तीनों कैटेगरी में यहाँ पर झारखंड के जो खिलाड़ी थे उन्होंने जीता है। तो झारखंड के कितने खिलाड़ी शामिल थे इस भारतीय टीम में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, झारखंड के 3 खिलाड़ी थे जिन्होंने, एक ने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है, ठीक है, एक ने यहाँ पर जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, एक ने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, और एक ने यहाँ पर जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो ये जो है वो अलग अलग खिलाड़ी है, 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक एक मेडल यहाँ पर जीता है, और इनका नाम आपको यहाँ पर जानना चाहिए, इनके नाम क्या है, तो वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेपाल में आयोजित 7वीं एशियन गोजरियू कराटे चैंपियनशिप में भारतीय टीम में झारखंड के खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं। इसमें से बुद्धा मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों में कौशिक राज ने स्वर्ण पदक जीता है और कांस्य पदक जीता है। समृद्धि पांडे है, उन्होंने रजत पदक जीता है और कांस्य पदक जीता है, और जोया फातिमा ने रजत और कांस्य पदक जीता है। तो ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने यहाँ पर मेडल जो है वो जीत कर लाए हैं। ठीक है, और ये 3 खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर भारतीय टीम में ये शामिल थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहां पर क्वेश्चन है वो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है? सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में छोटा नागपुर काश्तकारी जो अधिनियम है, ठीक है, सीएनटी जो है यहाँ पर, ठीक है, सीएनटी आप सभी नाम सुने होंगे इसकी, जो है कब से लागू हुआ था ये? 1908 में लागू हुआ था। तो इसके जो यहाँ पर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी 1908 और इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का भी जो है वो रचना इन्हीं के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका जो कहीं के तैयार किया गया था वो इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये जो है उनकी यहाँ पर जेबी हाउसमैन की इनकी कौन सी जयंती जो है वो यहाँ पर मनाई गई है, ठीक है, जेबी हॉफमैन होगा यहाँ पर, ठीक है, जेबी हॉफमैन की कौन सी जयंती जो है यहाँ पर वो मनाई गई है। तो ये जो जॉबी यहाँ पर जेबी हॉफमैन है, ठीक है, इनके द्वारा ही यहाँ पर सीएनटी जो है वो यहाँ पर इसकी रूपरेखा जो है वो तैयार की गई थी कि इस तरह से किसमें यहाँ पर प्रावधान किया जाएगा, यहाँ के जो जनजाति के लोग हैं उनकी जमीन को कैसे संरक्षित किया जाएगा, ये उन्होंने काम किया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम था जेबी हॉफमैन, ठीक है, हॉफमैन, ठीक है, जेबी हॉफमैन द्वारा जो है वो यहाँ पर उनकी जो है वो सीएनटी को यहाँ पर तैयार किया गया था। साथ ही साथ इनके द्वारा इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का भी यहाँ पर इन्होंने जो है वो तैयार किया था। तो इनकी जो हाल ही में जयंती मनाई गई है वो 166वीं जयंती मनाई गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीएनटी की रचना इनके द्वारा की गई थी, सीएनटी का जो पूरा प्रारूप था वो इनके द्वारा तैयार किया गया था कि यहाँ पर के जो जनजाति हैं, आदिवासी हैं, ठीक है, उनकी जमीनों को कैसे संरक्षित किया जाए, लोग इसको मतलब कब्जा न कर ले, हड़प न ले, तो इसमें यहाँ पर जो है वो सीएनटी में प्रावधान किए गए थे सारे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 और इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के रचयिता जेबी हॉफमैन की 166वीं जयंती मनाई गई है। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है कि सीएनटी एक्ट जो यहाँ पर 1908 में जब लागू हुआ था, ठीक है, या तैयार किया गया था वहां पर उस समय, तो उसके रचयिता ये कौन थे, किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये नाम आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ सकता है आपको इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के रचयिता कौन है, तो ये भी आपको नाम याद रखना है, जेबी हॉफमैन है। तो फादर हॉफमैन अंग्रेज नहीं वरन जर्मन जेसुइट थे, ठीक है, उन्होंने झारखंड के आदिवासियों की जीवन शैली और इतिहास का गहन अध्ययन किया और ब्रिटिश शासकों से बातचीत कर उनकी जमीन बचाने के लिए कानून बनाने की जो है वो उन्होंने वकालत की थी। यहाँ के जो आदिवासी हैं, जनजाति के लोग हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर जमीन किस तरह से बचाया जा सके, ये उन्होंने कानून बनाने की वकालत की थी। हॉफमैन ने सीएनटी एक्ट और इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका बनाकर आदिवासियों की भूमि की लूट रोकने के यहाँ पर रक्षा कवच जो है वो उनके द्वारा एक तरह से प्रदान किया गया है, ठीक है। तो सीएनटी आज जो यहाँ पर राज्य में लागू है, ठीक है, उससे कभी कभी जो है वो छेड़छाड़ भी होते रहता है, राज्य सरकार बदलती है, सरकारें आती जाती हैं, तो उसमें छेड़छाड़ भी अपने अनुरूप करना चाहती है, ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ बदलाव भी कई सरकारें करना चाहती हैं, ठीक है, थीके? लेकिन जो यहाँ पर सीएनटी जो यहाँ पर कहीं एक्ट जो आया था वो किनके द्वारा तैयार किया गया था, तो जेबी हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था और इनकी 166वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। चलिए आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पिछले सेशन में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे, जितने लोग भी किए थे, और प्रश्न जो पूछा गया था वो क्या था कि हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस स्कूलों की होने वाली पॉजिटिव इंपैक्ट रैंकिंग में झारखंड के संस्थान को पायनियरिंग स्कूल कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूल का खिताब दिया गया है। आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, XLRI, ठीक है, जो कि कहां पर स्थित है, जमशेदपुर में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस स्कूलों की होने वाली पॉजिटिव इंपैक्ट रैंकिंग में XLRI को जो है वो पायनियरिंग स्कूल की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूल का यहाँ पर जो है पुरस्कार वो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर XLRI है, यहाँ पर 2023 की रैंकिंग जारी की गई है, पॉजिटिव इंपैक्ट रैंकिंग, इसमें ग्लोबल फोरम में लॉन्च की गई थी, जिसमें 21 देशों के कुल 45 बिजनेस स्कूल ने यहाँ पर जो है वो हिस्सा लिया था, और ये लगातार तीसरे बार जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट रैंकिंग में XLRI ने यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ स्कूल बिजनेस स्कूल का यहाँ पर खिताब जीता है। चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, और इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 17 जून 2023 को नई दिल्ली में जो आयोजित हुई थी यहाँ पर भारतीय डेयरी शिखर सम्मेलन,
इसमें झारखंड के किस डेयरी को साल की बेस्ट स्टार्टअप डेयरी कंपनी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हो सकता है कि ये अन्य राज्यों में भी डेयरी हो, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः जो है वो झारखंड में भी यहाँ पर जो है वो स्टार्टअप हुआ था। तो ये कौन सी डेयरी है जिसे यहाँ पर भारतीय शिखर डेयरी शिखर सम्मेलन 2023 में साल की बेस्ट स्टार्टअप डेयरी कंपनी से सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर है वो है असम। ठीक है, असम। ठीक है, यहाँ पर बड़ी उसका इंग्लिश में जो होता है जो लिखा रहता है पैकेट में वो OSAM लिखा रहता है। ठीक है, असम, सुधा, मेधा या फिर अमूल। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन चार ऑप्शन में से सही आंसर जो है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। आप सब इसका सही आंसर कमेंट करने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में, सही हो या गलत हो आप कमेंट करिए। ठीक है, चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, आप डेली अगर यहाँ पर देखते हैं सेशन यहाँ पर और जो है लिखते हैं कमेंट करते हैं तो आपसे जो है इन्वॉल्व होइएगा, जब तक नहीं तब तक आप जो है सीखिएगा भी नहीं, इसलिए कमेंट क्या करिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप जैसे CGL की ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस से ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन के लिए, और ऑफलाइन हमारे यहाँ पर सेंटर पर आ सकते हैं जहाँ पर आपको जो है वो सारी क्लासेस यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे सुबह इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और अपनी तैयारी जोरदार तरीके से जो है वो जोरदार तरीके से करते रहिए। अपनी जो एक सीट है इस बार बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ठीक है ना, क्योंकि मौका जो है वो बार बार नहीं मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि राज्य में भी वैकेंसी जो है वो पंचवर्षीय योजना की तरह है। ठीक है, या फिर 10 साल में भी 7 साल में भी यहाँ पर एग्जाम जो है वो होने जा रही है, तो समझ सकते हैं इसलिए मौका बार बार नहीं मिलेगा, फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कभी 4 महीना 6 महीना 8 महीना जो भी समय लगेगा उसमें मेहनत करिए और अपना एक सीट सिलेक्शन लेकर के अपना जॉब पा लीजिए, सिक्योर हो जाइए, उसके बाद फिर जो करना होगा फिर आप करते रहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक जो है वो आप सब अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।